हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी, सुबह के 7 बजे हुए हैं। और आजकल थोड़ा तो सा लेट हो जाता है क्योंकि ठंडी के दिन हो गए हैं और दिन का भी पता नहीं चलता, छोटे दिन हो गए हैं तो इतना टाइम हो ही जाता है पूजा वूजा करने में। फिर उसके बाद मैं और काम शुरू करूँगी। और भोलेनाथ जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें। इस समय मैं आ गई हूँ किचन में। इस समय जो भी काम था बाहर का सब हो गया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं पी रही हूँ दूध। एक बार सुबह चाय पी ली थी और यहाँ पे दूध भी रखा हुआ है। एक में मैंने दाल रखी है उबालने के लिए और यहाँ पे मैंने मेहंदी भी भिगाई है। और मैं बना रही हूँ आज मूली के पराठे। तो मूली रखी हुई थी, मैंने सोचा थोड़ा सा पराठे बना लेती हूँ। और आजकल सब्जी मेरे हस्बैंड जी लाते हैं तो उनको इतना आइडिया नहीं होता है। वो ताज़ी ताज़ी तो ले आते हैं लेकिन देखते नहीं हैं कि टेढ़ी मेढ़ी कैसी जैसी भी होती है, वो लेके आ जाते हैं। कोई बात नहीं। और उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरीके से बाहर से छील लिया है। अब इसमें मैं कस लूँगी उसको, मूली को। और कसने के बाद मैंने उसको एक कॉटन के कपड़े में निचोड़ लिया क्योंकि हाथों से उतनी अच्छी तरीके से नहीं होता है, पानी रह जाता है। तो मैंने अच्छी तरीके से वहाँ पर निचोड़ के रख लिया है। और इसमें मैंने सब कुछ रख दिया है मिलाकर। और नमक में जब पराठा बनाना शुरू करते हैं उसी समय नमक डालें, नहीं तो पानी हो जाता है। और जो भी हम ये इसका मिक्सर तैयार करके रखते हैं मूली का, इसमें तो ये ज़्यादा गीला हो जाएगा तो पराठे ढंग से नहीं हो पाते हैं। और इसमें मैंने धनिया के पत्ते, हरी मिर्चें और नमक जो भी होता है मसाले सब डाल दिए हैं, सिर्फ लहसुन और प्याज को छोड़कर। ये तैयार हो गया है सब। अब इसको मैं जो आटे की लोई होती है इस तरीके से इसके अंदर भर लूँगी। और मैं यहीं पर ही रोटी बेल लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे साफ़ रहता है और जो जिसमें रोटी बेलते हैं वो यहाँ पर रखने में एकदम से स्लिप हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे ही बना लेती हूँ। और अब इसको मैं इस तरीके से बेल कर इसमें डाल दूँगी मूली का जो मैंने बना के रखा हुआ है, मिक्स करके रखा है सभी, इसको भर लूँगी इसमें। ठंडियों में अच्छे लगते हैं पराठे, गर्मी में तो थोड़ा सा खाने में भी बनाने में भी दिक्कत होती है। लेकिन ठंडियों में रोज़ तो नहीं अच्छा रहता ये सब, लेकिन कभी कभार बना लेना चाहिए। ये देखो अब इसको मैं इस तरीके से बेल लूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा आटा गीला हो गया था तो मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ। वैसे भी अगर पराठे बनाने होते तो नीचे से सूखा आटा डाल लेना नीचे चाहिए, नहीं तो वो चिपक जाता है एकदम से। जो रोज़ बनाते रहते हैं खाना बनाते हैं, जैसे हम लोग रोज़ बनाते हैं हमको तो आइडिया रहता है, और जो नए नए लोग बनाते हैं थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है बनाने में। तो इस तरीके से नीचे से अगर सूखा आटा डाल लेंगे तो चिपकेगा नहीं, तो आसानी से बन जाएगा। ज़्यादा बड़ा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने तो मीडियम साइज का बनाया हुआ है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे। फिर भी कुछ ना कुछ वीडियो में ऐसा हो जाता है, और हर कोई जानते हैं जो भी यूट्यूब में काम करते हैं, चाहे वीडियो कैसी भी हो, वीडियो में मेहनत लगती है बनाने में और टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है। अब वो आप सब लोग जानते हैं जो भी यूट्यूब में काम करते हैं। और इसको मैंने बनाकर इस तरीके से रख दिया है इसमें तवा में, तवा मैंने रख लिया था चूल्हे में पहले ही। और फिर इसको मैं पलट लूँगी और मेरे पास घी था घर का बनाया हुआ तो वही घी डालूंगी मैं। अगर घी नहीं तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा घी से अच्छी खुशबू भी आती है और अच्छा लगता है खाने में। अगर न्यू है तो ज्वाइन ज़रूर करें, अपना साथ और सहयोग मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें और अपना ध्यान रखें। मैं वीडियो बनाती हूँ और मुझे जैसा आता है मैं वैसा ही बनाती हूँ, मुझे कोई इतना पता भी नहीं है और किस तरीके से होता है, कोशिश पूरी करती हूँ। फिर भी ये बन गए हैं पराठे। और इसमें मैंने पराठे बनाते समय फ़ोन को कहीं किसी की उसमें लगाया हुआ था एलबी में, तो मेरे से पराठा जल भी गया था एक, ये ध्यान नहीं रहा तो मैं ये देखो
और खाना भी बन गया है यहाँ पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी नहीं खाए पराठे, तो उनके लिए मैंने बना दिया दाल चावल चटनी रोटी। आप सभी का दिल से धन्यवाद एंड थैंक यू।